दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तकरीबन 8 एमएलएज यहां पर मौजूद हैं और ये सभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके हाथों में जो आप पोस्टर और बैनर है आप देख सकते हैं, शराब के ठेकेदारों से 6% कमीशन खाने का आरोप है और अलग अलग मसलों पर नई शराब नीति को लेकर के लगातार दिल्ली बीजेपी हमले कर रही है और ये मथुरा रोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसे में पुलिस रोकने का भरपूर प्रयास करेगी। आप मुझे ये बताएं कि ये प्रदर्शन अलग अलग मौकों पर आप कर चुके हैं, आज एक बार फिर बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन क्यों? देखिए, आज का प्रदर्शन जो है वो एलओपी के नेतृत्व में अपने 8 विधायक कर रहे हैं और एक ही मकसद है, ये स्पष्ट है कि केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार का काला चेहरा अगर कोई सबसे बड़ा हिंदुस्तान का है तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का है। अरविंद केजरीवाल की अगर नैतिकता बची हुई है जरा सी भी राजनीति में तो मुझे लगता है कि उन्हें मनीष सिसोदिया को आप लोगों ने तो स्टिंग भी किया, स्टिंग के बारे में तो उन्होंने कहा यह तो 50 स्टिंग वैसे उनके रखे हुए। देखिए, ये जो लोग स्टिंग कर रहे थे उनका जब स्टिंग हुआ है तो वो बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है, वो भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं। उन्हें चाहिए कि अब इस्तीफा देके जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है उस धोखे को वो अगर कम करना चाहते हैं तो उनका इस्तीफा जरूरी है। हजारों करोड़ का घोटाला है, सीधा सीधा जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है ठेकेदारी का जो 6% है, उस गैप को कैसे पूरा कर रहे हैं, वो सीधा का सीधा भ्रष्टाचार। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन किस तरह से है और बाकायदा एक यहां पर वैन रखी गई है जहां पर आप देख सकते हैं कि विधायक किस तरह से मौजूद हैं और ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और आमतौर पर यह अलग अलग मौकों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन लगातार नई शराब नीति के मुद्दे पर यह एक बढ़त बनाना चाहते हैं ताकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसे घेरा जाए।